नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज और कल के दिन में हमारी मुलाकात बैरिया की मेंटेनेंस ऑफिस के अंदर भी हुई, वहाँ की सिक्योरिटी जो हेड है, उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफिस में सिक्योरिटी हेड से भी हुई, जो दो तीन लोग इस तमाम मामलात को हैंडल करते हैं उन तमाम से मुलाकात हुई। उनके बकौल जो गुज़िश्ता रोज़ था वहाँ एक ऑपरेशन होना था, मगर वो इसलिए पोस्टपोन किया कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं छलांग लगा के या व्हाट्सो एवर, ये उनका एक कॉज था। मैंने कहा लिजिट है, लेट्स डू इट। आज के दिन के ऊपर वो था कि आज एक ऑपरेशन होगा जॉइंट, तमाम पुलिस नफरी भी आएगी, बैरिया की अपनी सिक्योरिटी भी करेगी और हम लोग भी बतौर उसके अंदर गवाह शामिल रहेंगे। खैर अभी तक तो वो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, फिलहाल तक तो वो उनकी कैंपेन शुरू नहीं हुई। हम तो यही समझ रहे थे कि वो इस दौरान 10 बजे तक ऑपरेशन हो जाना चाहिए था, बट इट्स नाउ क्लोज टू 11। आई स्टिल होप, अच्छा गुमान रख रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये ऑपरेशन होगा, क्योंकि ये इतला मुझे अभी भी मेरे दोस्त ने दी है कि 7 दिन के लिए इन्होंने स्पास को बंद कर दिया है। अब 7 दिन के लिए स्पा बंद करना हमारी इस तहरीक की हिमायत है या स्पा की हिमायत है? कि ये जितने लोग दोस्त अहबाब अपना वक्त निकाल के यहाँ आए हैं और आइंदा आते रहेंगे, तब तक इनको ये लोग नजर नहीं आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये तहरीक खत्म हो जाएगी और दोबारा से स्पा बहाल कर देंगे। इस किस्म की तहरीक जो चल गई है, अव्वल तो ये पाकिस्तान में चलती कोई नहीं, जो बहुत अरसा पहले एक चली थी, कामयाब हुई थी, उसमें जो इंतशार हुआ था उसकी हम नफी करते हैं, तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक बगैर इंतशार के चलेगी और चलती रहेगी। डे वन पे तमाम अफसर, तमाम पुलिस वाले सब मेरे हमायती थे, कह रहे थे बहुत शाबाश बहुत शाबाश। दूसरे दिन उन्हें पता लगा अब तो ये आना शुरू हो गए हैं, तीसरे दिन वो गायब भी हो गए हैं सारे। तो उन लोगों का पहले दिन भी ये ख्याल होगा कि शायद ये आए हैं और चले जाएंगे, दूसरे दिन भी ये सोच रहे होंगे अब ये थक जाएंगे, तीसरे दिन डराया भी, मुझे कॉल्स भी की और भी सौत कंडे किए, उनकी यही ख्वाहिश होगी कि अब शायद ये डर जाएंगे। जब तुम्हारी ये तीनों ख्वाहिशें पूरी नहीं हुई तो इंशाल्लाह हम लोग बीइंग अ रेजिडेंट ऑफ बैरिया टाउन, तमाम बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, अनफॉर्चुनेटली सबका नाम मुझे नहीं याद, मगर जो भी तंजीमें बैरिया टाउन की हैं उनमें से वो शामिल हुए हमारे साथ, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये नुमाइंदगी बैरिया के रेजिडेंट्स की है। उसके अलावा मैं क्लैरिफिकेशन दे दूँ, जो लोग बीच में शामिल होते हैं दौरान गश्त, दौरान इस परेड के, इस वॉक के, वो लोग या तो ओनर्स हैं शॉप्स के या वो विजिटर्स हैं, और उनका भी मुकम्मल हक है इस बात पे कि जब वो अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ आते हैं, ये बदकारियाँ देखते हैं तो ज़मीन फटती नहीं है, इंसान कहता है मैं बीच में चला जाऊँ। अच्छा, मुझे अभी भी नज़र आ रहा है कि पीछे हर किस्म के लोग, चाहे वो दुरुस्त काम करने आए या गलत काम करने आए हैं, लेकिन अगर आप एक स्पा के अंदर, एक मसाज सेंटर के अंदर मौजूद हैं, उसके नीचे मौजूद हैं, वहाँ बैठ के तमाशा देखने वाले हैं, वहाँ बैठ के चाय पे, होटल पे चाय पीने वाले हैं, इसका मतलब है कि आप इस तमाम अमल के हमायती हैं, आप चाहते हैं कि ये अमल होता रहे और हम देखते रहें। ये कोई बंदा खुद को बरी जिम्मा ना समझे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो शख्स बैरिया के अंदर दाखिल हो गया उसने कदम रख दिया और वो इस चीज़ के खिलाफ नहीं बोलता, यानी अल्लाह के हुक्म की सरासर नाफरमानी हो और खुले आम हो और फिर भी हमारी जुबानों पे ताला रहे, तो हम किसको खुश कर रहे हैं, अल्लाह को या शैतान को? अल्लाह ताला ने रोजे अव्वल हजरत आदम को पैदा करने के बाद इस दावे पे शैतान को नीचे उतारा था कि जो मेरा होगा वो मेरे रास्ते पे चलेगा और जो तू अपने रास्ते पे चला ले तो वो जहन्नमी है। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं, हमें गवारा नहीं कि हम ये चीज खुलेआम होते देखें।
हमें हकीकत में तो बताऊं, ये हमदर्दी मैं अपने साथ तो कर रहा हूं मगर इन ख्वातीन के साथ भी कर रहा हूं जिनका इस्तेसाल हो रहा है। क्या ये किसी की बेटियां नहीं है? क्या इनको अल्लाह ने औरत पैदा नहीं किया? क्या इनके लिए हमारे दीन में हुक्म है कि हम इनकी इज्जत करेंगे? और मैं अब भी कर रहा हूं और मैं इज्जत ही कर रहा हूं, तो मैं चाहता हूं कि ये लोग इस रस्ते से हट जाएं। हमारी जिम्मेदारी हमारे घर के अहाते तक है। ना तो मैं निकल के पूरा पाकिस्तान ठीक कर सकता हूं ना पूरी दुनिया, लेकिन कम अज कम जब तक इस हालात में मौजूद हूं, इस कैपेसिटी के अंदर, बैरिया के अंदर ये काम नहीं चलेगा इंशाल्लाह। इस तमाम तहरीक के दौरान जो पिछले आज छठा दिन है, इसमें कमोबेश 70 फ्लैट्स को नोटिस किए हैं, 2 स्पास क्लोज हुए हैं, शट डाउन हो गए हैं। उनके मालकान को मेरी तरफ से मुबारकबाद है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद अपनी बेटी के मुंह में फहाशा की कमाई नहीं, जिना की कमाई नहीं, हलाल की कमाई डालो। इस तमाम तहरीक के दौरान ये तमाम अमल ख़त्म हो चुका है। हकीकत यही है कि जिस टाइम हम आते हैं, शाम का जो वक्त था, आज से 7 दिन पहले का जो मंजर था, अल्हम्दुलिल्लाह वो नहीं बचा। और वो सब कुछ हुआ है आपकी वजह से, इस अवाम की वजह से। ना तो मेरा कोई अमल दखल है, ना इन दोस्तों का है जो ये सारा कुछ अरेंज करते हैं। ये आप निकलते हैं, अल्लाह ताला ने मोमिन के अंदर इतनी बरकत रखी है जिसका कोई हिसाब नहीं। आपका एक एक कदम यकीन जाने बहुत बड़ा अजर लेके आएगा। मेरे लिए अजर नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो वो शायद गुनाह का कफारा बन जाए तो बहुत है, क्योंकि मैं तो उन मलौनों में से हूँ जिसने पिछले 4-5 साल ये चलने दिया। अगर मेरे अंदर गैरत होती, मैं चाहे 15 साल का हूँ चाहे 50 साल का हूँ तो मैं इंसान, अल्लाह ने अकल पूरी दी है, बस यही है ऑल द क्राइटेरिया कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट बोल पड़े। इससे बड़ा क्राइटेरिया नहीं है। मुसलमान पैदा कर दिया, अकल दे दी, तो मैंने 2-2.5 साल अगर ये देखा है तो चलने दिया, 10 साल से रेजिडेंट हूँ तो देखा है चलने दिया, तो मैं मुजरिम हूँ। तो मेरा कदम उठाना तो फ़र्ज़ है, वो तो कुफारा है मेरे पिछले गुनाहों का। लेकिन आप लोग अगर बाहर से आए हुए हैं, आप लोग नए आए हैं, पहले नहीं पता था, तो फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 2000 कमरे, टोटल 4500 फ्लैट्स हैं कमोबेश, उसमें से 2000 कमरों के अंदर यही काम होता है जिस्म फरोशी का। और उनमें से ज़्यादातर वो हैं जो सिस्टमेटिक हैं, बास वो हैं जो लोगों ने लेके रेंट पे दिए हुए हैं और मुख्तलिफ लोग उसके अंदर आते हैं। इस तरीके से जिस्म फरोशी होती है। पीछे रह गई स्पा एंड मसाज सेंटर की कहानी। ये एक छोटा सा आप कह लें लूप होल है कि ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे थेरेपी करते हैं, और हम में से हर एक जानता है कि यहाँ पे जिस्म फरोशी होती है, उसके शफायद हमारे पास मौजूद हैं। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे सरेआम, जिनको आप कह लें कि अब मैं, मुझे तो यकीन माने खुद भी हया आती है, हकीकी अल्फाज भी इस्तेमाल करने नहीं होते। बहरहाल बहुत सारी ख्वातीन और ख्वाजा सरा रोड पर खड़े होके दावत दे रहे होते हैं इस काम की। ये 3 अमल यहाँ पे बैरिया में हो रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग रेजिडेंट्स ऑफ बैरिया निकले हैं। आप लोगों की मदद चाहिए। जो सोशल मीडिया पे सुन रहा है वो भी मदद कर सकता है, जो यहाँ पे आ जाए वो भी मदद कर सकता है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अल्लाह ताला की कुरान की आयतों का मफहूम मैं आगे भी बयान किया था, फिर से सुन ले कि ए मोमिनो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। और शैतान ये कामयाब होंगे और ये मेरी भी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुतहद रहें और हम मुतहद रहेंगे तो इंशाल्लाह हम कामयाब रहेंगे। और ये जो मार्केट है ये बिल्कुल साफ सुथरी हो जाएगी। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ सब जब चाहे आ सकेंगी। मेरी एक दफा आप सबसे से हम आप लोगों के साथ हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप इतिहास रखें, और जब हम इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह हमें कोई नहीं रोक सकेगा। मोमिनों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के पीछे ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ये काम तुम
बाद अगर तुम लड़खड़ाओ तो जान लो कि अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। और क्या अब ये मेरा पैगाम है इन तमाम लोगों के लिए, और क्या ये लोग इस वक्त का इंतजार करते हैं कि जब अल्लाह का अज़ाब बादलों में बैठकर तुम सब पे नाजिल हो और फरिश्ते भी उतर आए और तमाम हो जाए ये काम? ये मेरे अल्लाह के कुरान में उनकी आयतों का मफहूम है, इसके बाद गुंजाइश नहीं है। हम तमाम की जिम्मेदारी है कि ये जो फहाशी के गढ़ बन चुके हैं, चाहे वो स्पा के नाम पे है, चाहे वो क्लब के नाम पे है, चाहे वो सैलून के नाम पे है, हमें नामों से गर्ज नहीं है, हम आमाल के खिलाफ है। जो शख्स इसी के भी पीछे चलेगा, ख्वा वो बंदा पाकिस्तान का है, पाकिस्तान से बाहर का है, अमल अल्लाह के खिलाफ है, तो वो शैतान से पीछे नहीं है, वो शैतान के हुक्मरानों को, शैतानी हुक्मरानों को आजाद करने वाली बात है। हम लोगों ने अगर ये भी बड़ा लेट हो गए हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास है, अल्लाह की कसम मैं मुजरिम हूँ। मैंने जितना अरसा इस फिजा में सांस ली और यहाँ पे जिना खुलेआम होता रहा, मेरी बहने और बेटियां उनकी इज्जतें पामाल हुई, वो भी तो किसी की बचिया है, वो भी तो किसी दिन अगवा हुई थी, वो भी तो किसी के आगे मजबूर है। मैंने इस फिजा में जो सांस ली, मैं खुद को मुजरिम समझता हूँ। तुम लोग समझते हो, जिम्मेदारी का एहसास करते हो? अब वक्त आ गया है कि मजीद नहीं, अब ये रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, अब आप लोगों ने कदम रख दिया है तो पीछे नहीं हटना। ये तमाम कर कोशिशें काविशें खालिस्तन अल्लाह की जात के लिए हैं। इस दौरान किसी किस्म का इंतजार ना फैलाएं। मैं फिर कहूंगा, जो सपा के लोग भी बीच में शामिल होते हैं, खुदा का खौफ खाने की ऐसी जरूरत है कि जैसी कभी नहीं थी। तुम लोग अगर इस मूवमेंट को खराब करोगे, जो तुमने गुनाह खुद किए हैं वो तो किए हैं, तुम आगे चाहते हो ये नस्लों तक भी जाए। मैं एक से लेके 2000 तक, जब ये जिना खाने, जिना के अड्डे, जिस्म फरोशी के अड्डे, बेहयाई के अड्डे बढ़ गए, तो मुझे ये बताएं कि 1999 घर तो थे ना जो पहले महफूज थे, तो कौन जिम्मेदार है कि उन तमाम को इस सब में दाखिल करने वाला? हम जिम्मेदार हैं। इसको समझे, इस क्यादत में ये तमाम बैरिया टाउन की रेजिडेंट्स की क्यादत है, इसके अंदर रह के इसके असूलों को समझ के इसको लेके चले मूवमेंट को। मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ताला पे यकीन है, हम कामयाब हो रहे हैं और हो भी जाएंगे। इंतशार जो भी शख्स फैला रहे हैं, उसे अभी अपनी करीबी जो भी आपकी लाइन बनती है उसमें तलाश करें, हर शख्स अपनी लाइन में तलाश करे और उसे फौरन पकड़ के बाहर निकाले। हाजी कोई नहीं, तुमसे बड़ा देनदार कोई नहीं, तुमसे बड़ा खैरात करने वाला कोई नहीं, तुम जैसे लोगों को फिर भी अल्लाह ताला दिए जा रहे हैं, अब गैरत खा लो। ये वही किनारे हैं जो आज से 5 साल 10 साल 20 साल पहले तामीर किए गए। बड़े बड़े सनतकार, बड़े बड़े कारोबारी लोग, इन्वेस्टर लोग, उधार में पैसा लेके, सूद पे पैसा लेके ये तामीरात तुमने कर दी, अब उसके बाद तुम्हारा अमल दखल इसमें मेंटेनेंस का है। इतनी जरूरत तो दिखाओ, जिस अल्लाह ने इतनी दौलत दे दी है, अब भी 2-4 लाख रुपए के लिए अपने माँ बाप को, अपने औलाद को कब्र के अजाब पे डाल रहे हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़ के गए हैं, तुम्हारे अमाल उनके ऊपर पेश किए जाते हैं। तुम लोगों ने ये जो प्लाजे बनाए हैं, अपनी माँ के 40वें के लिए 40 लाख रुपए भी लोग लगाते हैं, समझते हैं कि इससे उसकी मगफिरत हो जाएगी। इससे मगफिरत कैसे होगी? अल्लाह नहीं पूछेगा उस माँ से कि मैंने
मैंने तेरे जिस्म के अंदर इस बच्चे की खुराक बचपन से रख दी, मैंने तेरे अंदर ये तरबियत का अमल डाला, मैंने तेरे पाँव के नीचे जन्नत रखी और उसके बावजूद तूने इस बच्चे की ये तरबियत की। मैंने इसको नेमतें दी, रिजक दिया, इज्जत दी, अच्छे घर में परवरिश दी और जब ये बड़ा हो गया है तो अब ये मेरी नाफरमानी को नफाज कर रहा है। जो प्लाजे के मालकान है उनकी पूरी जिम्मेदारी आयद होती है, जो शॉप्स के मालकान है और फ्लैट्स के मालकान है उनकी पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। तुम लोग हराम खा रहे हो, तुम लोग हराम को फरोग दे रहे हो। बुराई की भी दो इकसाम है, एक तो किस्म ये है कि तुम लोग अपनी जाती हद तक कर रहे हो और दूसरी वो है कि तुम लोग दूसरों के अंदर भी वो फैला रहे हो, तुम लोग उसको आम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से वो फैलती चली जा रही है। इस चीज का सवाल अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं पूछ सकता। हम लोग तुम्हें यहाँ गैरत दिलाने आते हैं, हमारी दुआ अल्लाह से कि तुम्हें गैरत आ जाए। लेकिन इस गलत फहमी में ना रहना कि तुम प्लाजा बना चुके हो या दुकान रेंट पे दे चुके हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होगी। खत्म नहीं हुई। मैं यहाँ पे आज ताजर कम्युनिटी, ताजर इत्तेहाद, बैरिया टाउन की तरफ से ये पैगाम लेके आया हूँ अपने ये भाइयों के लिए जिन्होंने इस जहाद का आगाज किया है। इंशाल्लाह हमारी जाने भी हाजिर है यहाँ पे। आप लोगों ने जिस चीज का आगाज किया है ये जहाद से भी इस टाइम अफजल तरीन अमल आप लोगों का जा रहा है इंशाल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि सबसे कम दर्जे का मोमिन वो है जो अपनी जुबान से बुराई को रोके। इसमें तो हमारी जान भी लग रही है, हमारा माल भी लग रहा है, हमारा टाइम भी लग रहा है, हमारे कदम भी लग रहे हैं, तो इसका अजर उस अजर से बहुत ज्यादा है इंशाल्लाह। मैं सिविक सेंटर की बैरिया टाउन फेज 1-8 की तमाम कम्युनिटी से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ। यहाँ पे रेशो की कम्युनिटी भी आपके साथ है। डेली बेसिस पे आप लोग यहाँ पे आए, इस एहतजाज को कामयाब करें, पुरअमन एहतजाज करवाएं। आज से 4 साल पहले यहाँ की रेशियों ने और ताजरों ने बैरिया इंतजामिया को बार कहा कि आप खुदा रहा इसको हीरा मंडी बनने से बचाए, लेकिन इंतजामिया ने अपनी आंखें बंद की और आज रेशी, ताजर और रजाकार अपनी मदद आपके तहत ये सब कुछ कर रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। मेरी बैरिया इंतजामिया से गुजारिश है कि 3 दिन पहले जो आप लोगों ने इन नौजवानों को, इन लोगों को लॉलीपॉप दिया कि हम इंशाल्लाह ऑपरेशन करने वाले हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 0/0 नतीजा है उसका। बंद करो। आज उन्होंने एक लेटर इंटीरियर मिनिस्टर साहब को लिखा है, जनरल जावेद साहब ने, जिसका टोटली मकसद ये है। जनरल रिटायर जावेद साहब ने जो लेटर लिखा है उसका मकसद सिर्फ इतना ही है कि अल्लाह तुहाडा भला करे, अल्लाह तुहानू हज करावे, अल्लाह तुहानू मक्के खड़े, साडी बख्शिश फरमाओ, किसी तरीके नाल साडी जान छुड़ाओ। इखलास मसूद के घर के बाहर खड़ा मार सकते हैं, जाहिद के घर के बाहर से मीटर उतार सकते हैं, इनके फ्लैटों के मीटर उतारो तब इन लोगों ने यहाँ से जाना है। हम लोगों को मजबूर न करो। तकबीर, रिसाला, या रसूल अल्लाह।